बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव किस तरह के तेवर में हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। कल यानी जो कल बीता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाने वाले थे आरजेडी दफ्तर में, उनके समर्थक और मीडिया भी तेज प्रताप यादव का जनता दल का जो ऑफिस है राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ इंतजार करती रही और ये संभावना थी, इसके आसार थे कि तेज प्रताप यादव आएंगे। तेज प्रताप यादव नहीं आए। कई घंटों तक तेज प्रताप यादव के घर के बाहर भी मीडिया कर्मियों का जमावड़ा रहा। शाम होते होते एक तस्वीर सामने आई जो अब आपकी स्क्रीन पर भी है। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह, जिनके बेहद करीबी रिश्ते हैं, सिर्फ वो आरजेडी के एमएलसी नहीं हैं, बेहद करीबी रिश्ता है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से और लालू परिवार के दूसरे सदस्यों से, वो तेज प्रताप यादव से मिलने पहुंचते हैं और दोनों की अच्छी मुलाकात भी हुई होगी जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है। तेज प्रताप यादव ने इस तस्वीर को फेसबुक पर पोस्ट किया और ये बताया कि सुनील कुमार सिंह जी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद सुनील सिंह ने यह दावा किया कि अब सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। मैं गया वहाँ तेज प्रताप जी के घर पर, हमारी बात हुई है, हमने नाश्ता किया है और फिर वहाँ से हम निकले हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है? सुनील कुमार सिंह ने यह दावा जरूर किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन रात होते होते एक खबर और आ गई और खबर ये आ गई। तेज प्रताप यादव एक निजी टेलीविज़न चैनल से बातचीत कर रहे थे और काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उस टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराज़गी जताई एक बार फिर तेजस्वी यादव के सलाहकार को लेकर। तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं संजय यादव और संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा हटवा दी गई है, मेरे जो बॉडीगार्ड हैं वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और यह सब कुछ संजय यादव करवा रहे हैं, संजय यादव की वजह से हो रहा है, संजय यादव ये सब करवा रहे हैं। तो बहुत गंभीर आरोप तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर पहले भी लगाते रहे हैं और एक बार फिर कल रात को तेज प्रताप यादव ने लगाया है। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जो दावा कर रहे थे कि सब कुछ शांत हो गया है, क्या वाकई सब कुछ शांत हो गया है ये देखना होगा। हालांकि तेज प्रताप यादव के तेवर थोड़े नरम जरूर नज़र आ रहे हैं और आरजेडी भी ये चाहेगी, लालू परिवार भी ये चाहेगा कि तेज प्रताप यादव को मना लिया जाए, सब कुछ शांत हो जाए और शायद कोशिशें भी ऐसी ही चल रही हैं क्योंकि अगर सुनील कुमार सिंह मिलने जाते हैं तेज प्रताप यादव से, मुलाकात की तस्वीर सामने आती है और उसके बाद ये दावा किया जाता है कि सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो या ना हो लेकिन पुरजोर कोशिश चल रही है। मैं से इस मुलाकात से यही मैसेज मिलता है कि पुरजोर कोशिश चल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तेज प्रताप यादव को मना लिया जाए। तो फिलहाल तेज प्रताप यादव के तेवर नरम हैं, हालांकि संजय यादव को लेकर वो अब भी गर्म हैं, सुरक्षा को लेकर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।